एक कंसेप्ट आता है यहाँ, क्या? पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है? आइंस्टीन ने कहा कि किसी भी मास को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दें तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एनर्जी कितनी एनर्जी बनेगी, एम सी स्क्वायर फॉर्मूला उन्होंने दे दिया इसका आइंस्टीन ने। मतलब ये क्या है, आइंस्टीन ने ये कहा कि ये है कन्वर्जन ऑफ मास किसमें, इनटू एनर्जी। मास का एनर्जी में कन्वर्जन है ये। मास कन्वर्ट हो गया किसमें, कन्वर्ट हो गया एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। सिमिट्री है पूरी बनी हुई नेचर में कि अगर मास से एनर्जी बन सकती है तो एनर्जी का मास में भी कन्वर्जन हो सकता है। अब हम उसे काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर पाए, लेकिन हो सकता है। और उसके प्रूफ भी होते हैं, उसी उसका प्रूफ है पेयर प्रोडक्शन। उसका प्रूफ क्या है, पेयर प्रोडक्शन। क्या है पेयर प्रोडक्शन? एक न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, हैवी एलिमेंट का न्यूक्लियस, यूरेनियम या और इससे भी हैवी, और इस न्यूक्लियस पर आया कहीं से एक गामा फोटोन। कौन आया? गामा फोटोन। गामा फोटोन, गामा फोटोन का मतलब एनर्जी। किसकी फॉर्म में एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी, ठीक है। अब इस हैवी न्यूक्लियस ने क्या किया, इस हैवी न्यूक्लियस ने इस गामा फोटोन को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी का इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और फिर ये न्यूक्लियस इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? दो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें से एक पार्टिकल तो है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही जुड़वा भाई जो खो गया था कुंभ के मेले में, पॉजिट्रॉन। बस अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, वरना दोनों बिल्कुल एक दूसरे के हम शक्ल हैं, जुड़वा हैं बिल्कुल। इस तरह से क्या हुआ, एनर्जी का कन्वर्जन हो गया। किसमें कन्वर्जन हो गया? मास में कन्वर्जन हो गया। एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो गया, और ये कहलाता आपका पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि दो बनते हैं एक साथ, करेक्ट। अब ये जो दो बनते हैं पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स बनने के बाद में, अच्छा, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहें तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या बनेगी, ये गामा फोटोन जिसका मास भी जीरो है, जिसका एटॉमिक नंबर भी जीरो है, कन्वर्ट हो गया किसमें, एक पॉजिट्रॉन बन गया और एक क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। पेयर प्रोडक्शन इसे हम बोलेंगे, ठीक है। और जब ये बनते हैं हैवी न्यूक्लियस, ये हैवी न्यूक्लियस है आपका, जब ये बनते हैं तो पॉजिट्रॉन एक डायरेक्शन में चलता है और बनने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात एग्जाम में एक बार पूछी जाती, बात जा चुकी कि अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों चलते हैं दोनों के दोनों, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए, क्योंकि टकराने से पहले इस न्यूक्लियस का मोमेंटम जीरो है और पूरी की पूरी रिएक्शन के बाद भी मोमेंटम जीरो ही रहना चाहिए, एक का एक तरफ पे, दूसरी तरफ पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो आपका पॉजिट्रॉन है प्लस वन ई नॉट, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना, मैंने इसे लिखा माइनस वन ई जीरो, तो इसमें से जो पॉजिट्रॉन है इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती है। कारण, क्योंकि पॉजिट्रॉन के लिए को एक एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है किससे, रिपल्शन ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो भी है पॉजिटिव ही तो होगा, ये इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के रिपल्शन के कारण थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन कर लेता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन में रहता है तो, लेकिन निकल कर तो भाग जाता है इलेक्ट्रॉन भी यहां से, लेकिन कुछ कम वेलोसिटी से बाहर निकलता है। दोनों बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, समझ गए बात, पेयर प्रोडक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों चलते हैं, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए। उसमें भी पॉजिट्रॉन का वेलोसिटी पॉजिटिव, उनका मोमेंटम थोड़ा ज्यादा होगा और इसका वेलोसिटी इसकी थोड़ी सी कम रहेगी, ओके।
अच्छा, अब इसका पेयर प्रोडक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन ये क्या चीज है? एक पॉजिट्रॉन प्लस वन ई जीरो और एक इलेक्ट्रॉन माइनस वन ई जीरो, ये इत्तफाक से कहीं मिल गए, ये बाय द वे कहीं मिल गए, करेक्ट। तो मिलने के बाद क्या होता है कि क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे के नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और डिस्ट्रॉय करने के बाद ये क्या होता है, ये गामा फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक नहीं, दो गामा फोटोन यहां से निकलते हैं, दो गामा फोटोन, एक एक गामा फोटोन नहीं, दो गामा फोटोन निकलेगा, और ये गामा फोटोन भी क्या होंगे, ये गामा फोटोन भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे कि यहां दोनों पार्टिकल मिले, ये पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, और अब दो गामा फोटोन बनेंगे, ये दोनों चलेंगे कहां, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से वही बात है, क्यों चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए। लेकिन इस बार इन दोनों फोटोन, जी गामा फोटोन है, ये जो गामा फोटोन है, इन दोनों गामा फोटोन की एनर्जी और इनकी वेलोसिटी वगैरह सब बिल्कुल बराबर होगी। वेलोसिटी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, अगर ये गामा फोटोन है तो फिर इसकी वेलोसिटी निश्चित रूप से कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की बिल्कुल एक जैसी होती है, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं है कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन चलते कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए। ठीक है, यह आपका हुआ पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन।